नमस्ते, मैं हूँ साक्षी तंवर और मेरे साथ है श्याम सुंदर पालीवाल जी और हम दोनों मिलकर आज यहाँ पे खेलकर आए हैं अगले हफ्ते का केबीसी का करमवीर एपिसोड, है ना? जी। तो आप बताइए हमारे दर्शकों को कि आपका ये अनुभव कैसा रहा? मेरे जीवन का बहुत सुखद अनुभव रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि आपकी और अमिताभ बच्चन जी के साथ मैं केबीसी में आऊंगा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज इस फिल्म में हम लोगों ने जो काम किया है उसकी वजह से आज आपके साथ बैठने का और अमिताभ बच्चन जी के साथ बैठने का अवसर मिला है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बताऊँ, हम ज्यादा भाग्यशाली हैं क्योंकि आपके जरिए हमें इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें पता चली हैं। आप जो इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगी कि श्याम सुंदर जी अपने गांव पिपलांत्री में लड़कियों के लिए, पेड़ों के लिए, पानी के लिए बहुत बहुत काम कर रहे हैं। जो जब आप हमारा अगले हफ्ते का केबीसी का एपिसोड देखेंगे करमवीर स्पेशल, तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितना काम किया है और कितनी इनकी काम की सराहना हुई है। वैसे एक और बात मुझे बतानी है, आप पहली बार मिस्टर बच्चन से मिले हैं, पहली बार आप केबीसी में आए और आपको इतना सब अच्छा लग रहा है, तो अब आप सोचिए कि मैं पांचवी बार आई तो मुझे कितना ज्यादा 5 times more मुझे अच्छा लग रहा है और आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे सबसे अच्छा इस बात का लग रहा है कि हम एक अच्छी रकम यहाँ से लेके जा रहे हैं क्योंकि आप गांव की लड़कियों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि हम उनके लिए कुछ और कर पाएंगे। तो करमवीर एपिसोड अगले हफ्ते देखिएगा आप जरूर केबीसी का, और वैसे भी केबीसी के सारे एपिसोड्स मंडे टू फ्राइडे 9 o'clock सोनी टीवी पे जरूर देखिएगा। व्हाट कैन आई से, केबीसी तो अपने आप में एक त्योहार है, सो हैप्पी केबीसी।